हेलो लड़का, मैं आपका स्वागत है मिस्टर मुंबई में। तो आज किस में बात करूँगा, प्रीमियम टियर टू सेक्टर में आपको कौन से कैरेक्टर सेलेक्ट करने हैं, प्लस आपको मेगा टियर टू टिकट मिली होगी। यस, मेगा टियर टू टिकट जो हमको 10 तारीख को मिली थी एनिवर्सरी के रिवॉर्ड में, चेकिंग रिवॉर्ड में, तो उसके बाद मैं वीडियो बनाना भूल गया था। लेकिन मेगा टियर टू टिकट कैसे यूज़ करनी है और किस कैरेक्टर को देनी है, ये भी मैं इस वीडियो में बता दूँगा। सबसे पहले बात कि आपके पास पहले टीम में जाके देखना सिलेक्टर में कोई कैरेक्टर को सिलेक्ट करने से पहले कि आपके पास वो कैरेक्टर अभी अवेलेबल है कि नहीं। जैसे वेलकड़ी मेरे पास अवेलेबल है तो मुझे प्रीमियम टियर टू सिलेक्टर मिलेगा तो मैं वेलकड़ी को नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं इसको भाई मेगा 6 स्टार की रैंक अप टिकट दे के फिर वो जब 6 स्टार हो जाएगी तो भाई मैं उसको मेगा टियर टू टिकट दे के टियर टू कर सकता हूँ। मेगा टियर टू टिकट दे के उस कैरेक्टर को टियर टू कर सकता हूँ। और मेगा टियर टू टिकट सिर्फ प्रीमियम कैरेक्टर पे यूज़ करना होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम कैरेक्टर्स पे यूज़ करना है। लूना स्नो एम वेलकड़ी है और वगैरह वगैरह जितने भी प्रीमियम कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर मेगा टियर टू टिकट यूज़ करना है, जिनके बायोमेट्रिक्स मिलते नहीं यहाँ आसानी से। ओके, और इनकी बायोमेट्रिक्स मिलते हैं देखो यहाँ पे डायमेंशन मिशन से यहाँ पे मिलती होगी। और ऐसा नहीं कि भाई एक दो हफ्ते में आपको एक कैरेक्टर की बायोमेट्रिक्स मिले, नहीं, एक कैरेक्टर को कभी 1 महीना लगता है, कभी 2 महीना, कभी 3-3 महीना, कभी 6 महीना, कभी कभी तो साल भर लग जाते हैं भाई किसी एक कैरेक्टर को बायोमेट्रिक्स मतलब कलेक्ट करने में। जैसे एग्जांपल के वेलकड़ी के लिए देखो मुझे कम से कम 1 से 1.5 महीना लगा था वेलकड़ी की बायोमेट्रिक्स मुझे कलेक्ट करना था। और लूना को तो मैंने प्रीमियम 6 स्टार सिलेक्टर से लिया था। ओके, तो थोड़ा सा टाइम लेता है। ओके, प्रीमियम, अब बात आती है भाई बेस्ट कैरेक्टर कौन से। मेगा टियर टू टिकट सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम कैरेक्टर्स पे ही यूज़ करना। लूना है, वेलकड़ी है और नेमोर के बायोमेट्रिक्स तो मिलती नहीं है तो कारने चाहिए, ये सब के ऊपर यूज़ कर सकते हो। मेगा टियर टू टिकट मेगा टियर टू टिकट। और बात करते हैं प्रीमियम सिलेक्टर में, प्रीमियम टियर टू सिलेक्टर में आपको कौन सा बेस्ट कैरेक्टर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं बताऊँगा क्योंकि मुझे कन्फ्यूज नहीं करना आपको। पहला कैरेक्टर नेमोर है क्योंकि नेमोर की बायोमेट्रिक्स जैसे बोला मिलती नहीं गेम में, तो नेमोर आपके पास कैरेक्टर होना चाहिए क्योंकि इसका टियर 4 आ चुका है और इसको ले लूँ। और लेने के बाद अगर आपके पास नेमोर है टियर 2 मतलब नेमोर आपके पास है तो आप ले सकते हो कार्नेज को। और आप बोलोगे नेमोर या कार्नेज में किसको लूँ, तो मैं बोलूँगा नेमोर को लो। अगर कार्नेज को लूँगे तो कार्नेज का आपको परफॉर्मेंस PvE में सही रहेगा, GBR वाले बॉस लेजेंड Tier 3 करके इसको आप खेल सकते हो। ओके, लेकिन अगर आप PvP के लिए लूँगे तो इसके लिए आर्टिफैक्ट चाहिए। और अब आर्टिफैक्ट कब मिलता है, कैसे मिलता है, ये कोई गारंटी नहीं आर्टिफैक्ट मिलता है मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि कोई सा भी आर्टिफैक्ट मिल जाएगा आर्टिफैक्ट चेस्ट में तो उसकी कोई गारंटी नहीं। ओके, आर्टिफैक्ट है तो ले सकते हो कार्नेज को भी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 कैरेक्टर हो गए, तीसरा है वेलकड़ी, वेलकड़ी को भी ले सकते हो, लूना स्नो को भी ले सकते हो। एंड ये लूना स्नो जो है ना, ये लूना स्नो शायद से अप्रैल Tier 4 होगी, जिसको भी मैंने आज ही वीडियो बनाई, नहीं देखी तो मैं लिंक है ना पिन कमेंट कर देता हूँ, जाके वो वीडियो देख लो। शायद से अप्रैल Tier 4 ले लूना स्नो ही होगी जिस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ उस हिसाब से, क्योंकि मैंने बहुत पहले भी इससे पहले भी भाई वीडियो बना चुके हैं मार्च महीने में भाई लूना को Tier 4 मिलेगा अप्रैल के महीने एनिवर्सरी पर। तो 4 कैरेक्टर्स मैंने बता दी, 4 कैरेक्टर्स में कोई से भी, हाँ साइप्लॉक को मत करना क्योंकि साइप्लॉक X-Men का कैरेक्टर आपको एपिक कॉस्ट से, वेल X-Men के एपिक कॉस्ट से मिल जाएगा। और ये सब ये बेस्ट ये सब आपको मिल जाएंगे भाई, तो इनको सिलेक्ट मत करना। 4 कैरेक्टर्स बताए, आप चारों आपके पास है तो फिर उस हिसाब से आप और कोई भी चुन सकते हो। हाँ, जैसे ये सेंट मास्टर सनिस्टर हो गया, मतलब ये काम का नहीं है लेकिन फिर भी मालूम नहीं जवान भी आया तो बोल दिया। लेकिन आपको 4 कैरेक्टर बताया, नेमोर, कार्नेज, वेलकड़ी एंड लूना स्नो, और आप चाहो तो घोस्ट पैंथर कुछ ऐसे नाम था उसका, उसको भी ले सकते हो। घोस्ट पैंथर ये है ना, घोस्ट पैंथर वो भी ले सकते हो और इसको भी ले सकते हो, ये नाम क्या इसका, ये ले लो, नाम याद नहीं आ रहा तो ये ले लो। ओके, तो ये सब प्रीमियम कैरेक्टर्स मतलब प्रीमियम कैरेक्टर्स लो, इनमें से ले सकते हो। 4 कैरेक्टर मैंने आपको बताया, नेमोर, कार्नेज, वेलकड़ी और लूना स्नो, इन चारों आपके पास है तो फिर आप अपने हिसाब से कोई और लो। और अगर आपके पास और भी इसके अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स देखने हैं तो कमेंट कर देना, मैं और भी ज़्यादा कैरेक्टर्स के ऊपर वीडियो बना दूंगा। ओके, और कोई X-Men के जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको मत लेना क्योंकि एपिक कॉस्ट से उनकी पेमेंट मिल जाने वाली है एक तरीके से, है ना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और लूना स्नो Tier 4 होगी कि नहीं ये आपको पिन कमेंट में पता चल जाएगा, तब तक के लिए लाइक से सब्सक्राइब, बाय बाय।